ये देखो, ये बंदा जी जो है ना, ये ऑलराउंडर है। ये जो है ना, ये फैन खराब हो गया था, तो बाहर का फैन ला के जो गेस्ट उसका है सर्वेंट रूम का, वो यहाँ पे लगाया इन्होंने। क्योंकि सर्वेंट रूम वाला हमारा यूज़ नहीं होता ना, वहाँ पे तो कुछ यूज़ ही नहीं है, स्टोर बना रखा हमने, तो उसका उतार के लाया है, यहाँ पे लगा रहे हैं। ये काम आपने कहाँ से सीखा है? करते आ रहे हैं बचपन से। बचपन से करते आ रहे, देख लो भाई। आप भी सीखो पापा से, ये काम करने आपको आने चाहिए। मैं तो इलेक्ट्रिशियन बनाऊंगी। इसको इलेक्ट्रिशियन बनाएंगे। ये देखो, ये बुला, मेहनत से लगे हुए हैं। चलो भाई, मैं आ चुकी अपनी सीट पे। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास। वो मक्खी आ गई पता नहीं कहाँ से। चार जो हैं वो 4:10 हो चुके हैं। सो लेट मी स्टार्ट क्लास। हस्बैंड पंखा टांगने लगे हुए हैं, बड़ा वाला बेटा झाड़ू लगा रहा है, छोटा वाला बेटा इधर उधर इधर उधर पंखे ले ला, वो पापा की हेल्प कर रहा है। कभी पेचकस दे, कभी प्लास दे, कभी स्विच ऑन कर, कभी ऑन कर, वो चल रहा है। तो मैं अब अपनी क्लास शुरू कर रही हूँ, और फिर मेरा बड़ा वाला बेटा चाय बनाएगा और मुझे देगा, मुझे ना सबको देगा। पापा तो पीते नहीं उनके, मैं पीती हूँ चाय। चलें फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। इन प्याजों को और इस लहसुन को हलाल किया जाएगा और इनसे खाना पकाया जाएगा। हाँ? हाँ? मुझे लगा खाने के लिए। देखो क्या सुस्ती बनी कर रही है। नंगे बैठे नहीं है, अपने पहनने का है शौक। ये देखो, ये फैमिली केकड़ा फैमिली वो लग रहे हैं। उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े पड़े हैं केकड़ा फैमिली। अच्छा, अभी इसके ऐप्स मत देखना, ठीक है? बस इसके गोड्डे गिट्टे देख लो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप विल बी गुड। अभी हम निकल रहे हैं थोड़ा सा चाय के साथ। सब कुछ ख़त्म सा हो रखा है लगभग, क्योंकि हमें गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो जो भी लाना होता था पास से ले आते हैं। आज जलेबी खाने का मन हुआ, तो मैंने बोला चलो जलेबी लेके आते हैं। मैंने हस्बैंड को बोला कि हम ना बाइक से चलते हैं, तो छोटा वाला बेटा भी रेडी हो गया, कह रहा मैं भी चलूँगा। तो पहले हमने प्लान किया कि हम तीनों बाइक से चलते हैं, फिर हमने सोचा कंजस्टेड हो जाएंगे बैठने में ना, तो फिर हमने गाड़ी में ही जाना पड़ रहा है। मैं चाहती थी बाइक पे चले, खुले खुले से एक राइड लेके आते हैं। ओहो, अब आप साफ सुफ करोगे? ये देख लो इस बच्चे को भाई साहब, ये आपको हमेशा उठ टांग करते नजर आएंगे। सुस्त सा माहौल हो रखा है, सुस्त नहीं करो बेटा, इसको खोल दो। एसी एकदम से नहीं चलाना चाहिए गाड़ी में, पहले खोल करके। हमारी दो कितने दिन से, 3-4 दिन से गाड़ी खड़ी है ऐसे, तो पहले इसको खोल के और इसको हवा क्रॉस करते हैं, फिर बैठेंगे अंदर। क्यों भाई गाड़ी में? ये क्यों खोला? कभी कभी चेक भी किया करो, छिपकली बुझ जाती है।
एक दिन ना मैंने ना ये जो है ग्लास मैंने डाउन किया, हम चल रहे थे, वो तो शुक्र करो कि मतलब कि ना तेजी में नहीं थी गाड़ी, और छिपकली ना कूद के मेरे ऊपर आ गई, इसमें से छोटी सी छिपकली, एक दिन पहले भी था वहाँ पे छिपकली थी ऊपर, तो बड़ा ध्यान देना पड़ता। फिर गाड़ी में घुस गई, हमने रोक के पहले उसको निकाला हस्बैंड ने, वो निकालते निकालते वो छोटी सी थी मर गई, और फिर हम मैंने कहा ट्रैवल में फिर बहुत वो कई बार हादसे का कारण हो जाते हैं ना, जब ऐसे कुछ कीट पतंग घुस जाए तो अंदर, चले भाई बड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो गाड़ी में चेक करके बैठना चाहिए सीट वीट। एक्चुअली हमारा बेसमेंट में है ना हमारी पार्किंग, तो इसलिए चलते। अभी बेटे को बोला वो चाय बना रहा हुआ, हम 10 से 1 मिनट में बस हम ले के आते, फिर मेरी क्लास है। तो ये आ चुके हैं भाई साहब, आपको आगे बैठना है, चलो वो भी आ गए अपना, आते हुए आप बैठ जाना, चलो आते हुए मम्मा बैठे, ठीक है ये देख लो इसको आगे बैठना होता है। मैं अभी पीछे और ये भाई साहब बैठ गए आगे, लाइट हो चुकी है और अंधकार छा गया है, ये देखो ब्रेक पे पाँव उसका है, हाथ उसके चल रहे हैं, इसको बड़ा चाव है अभी, इसको लग रहा है ये गेम वाली गाड़ी है, गेम वाली गाड़ी नहीं है, ऊपर ले जाओ, गेम में तो मैं बहुत अच्छी चलाती हूं, मेरे को मिलता नहीं है बैठने को ना इस सीट पे, मिलता ना, और इसमें एक बार तो बैठे हो गया। देखो ये ना इनको ना मैं बोली इसमें ना पीछे बैठने में भी मजा आता है, तो ये बोले कि मेरे को तो बैठने का ना तो इस सीट पे मौका मिलता ना इधर बैठने का कहीं मौका मिलता पीछे, इनको बेचारों को ड्राइव ही करना पड़ता हमेशा। इस तरह से बैठी हूँ आलती पालती करके, मुझे हर जगह कंफर्ट चाहिए होता है, कंफर्ट, इसलिए मम्मा के हिसाब से गाड़ी ली है, कंफर्टेबल, मुझे तो कंफर्टेबल ट्रक लगता है, जहाँ पे एक बिस्तरा भी लगा के सूख जाओ। मेरे हिसाब से तो ट्रक लेना चाहिए हमें, और ट्रक में के अंदर पार्टीशन करके किचन बना लो, एक उसके अंदर बेडरूम बना लो है ना, एक वॉशरूम बना लो, और फिर ट्रैवल करो। मेरी बहुत इच्छा है ऐसे ना एक घूमने फिरने वाला घर होना चाहिए। चलो आ गए, आ गए हम खाने के लिए, देखा सामने पीछे दिख रही मिठाई की दुकान, अपना ऑर्डर दे आए हैं, उसको ऑर्डर दे दिया हमने, अभी हम चल रहे हैं आगे, मेरे को लेनी है मेहंदी, मेहंदी लेने के लिए कहाँ जा रहे हैं, मेहंदी बेटा यही इसी से राजस्थानी से लेंगे। दिखाई दे रहा है ये बच्चा आपको अंदर बैठा ऊट पटांग करने वाला, इसको सीखने का बड़ा शौक है, हां इसको वो नहीं लेता इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट लेता है, अभी छोड़ो सीखने में, चलो अंडे की ट्रे अभी वो बांध रहा है, वो ले आएगा, ये मेरा सामान गया है, आ अभी मैं 2 ही पैकेट छोटे वाले लेके आई हूं, क्या करता फिर रहा है लड़का, थैंक यू भाई, ले लिया सामान और अब चल रहे हैं वापस मिठाई की तरफ। यहाँ पे पकड़ी है हमारी जलेबी, ये कह तो रहे 10 मिनट में बना लेंगे, पर देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वो अपने वेट कर रहे हैं पैक करा रहे हैं, और ये भाई साहब गए गाड़ी के अंदर, तो मैं भी चलती हूँ गाड़ी के अंदर। What's going on? ये अंडा। हाँ? अंडा? अंडे का क्या करना?
अंडे पे मारो डंडा और काकू को कर दो गंजा। काकू आपको गंजू करा दे? बिल्कुल भी नहीं। मक्खियाँ कितनी इरिटेट करती हैं रे। देखो ये बच्चा कह रहा मक्खी ने बदबू खिंडा दी। मक्खी बदबू क्या करती है? मक्खी ने पोटी करी। देखी आपने पोटी करते हुए? आप जब पोटी करते हैं आप बदबू नहीं करते? हाँ देख लो। ये दुकानदार कह तो देते हैं 15 मिनट में 10 मिनट में कर देते हैं, फिर आधा आधा घंटा लगा देते हैं। अभी जलेबी बनाने में इसको बोल के गए हैं कि भैया हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर पॉसिबल है तो अब बना दो, हम इतने में आगे से सामान लेके आते, बट स्टिल वो सोए पड़े आराम से। चलो देखते दस में, हमने भी कहा 10 मिनट में बन गई तो हम ले जाएंगे वरना बाय बाय। तो ये मैं लेके आई हूँ 2 पैकेट मेहंदी के, कल है सैटरडे आज है फ्राइडे, और मैं लगाऊंगी मेहंदी। मेरा आंवला रीठा छिक्का का ये बीघा रहता है हमेशा, मतलब कि कभी भी, कभी कभी तो वैसे ही बालों में मैं वो लगा लेती हूँ उसका पानी, आंवला रीठा छिक्का का, लेकिन अभी वो टाइम ही नहीं मिलता मुझे, इतनी थक जाती हूँ ना मैं, इवन कि मुझे वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिलता, इतना कभी कभी दिमाग और शरीर दोनों बुरी तरह से थक जाता है। तो अभी कल है सैटरडे, अभी मैं जो है कल मेहंदी लगाऊंगी और आंवला रीठा में भिगा के सुबह उसको 2 घंटे लगाने से पहले, 2 घंटे पहले मैं सुबह भिगा दूंगी, फिर मैं लगाती हूँ अप्रॉक्स 10-1 बजे लगाती हूँ मैं। तो देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, कल मैं चैलेंज लेती हूँ कि अगर मैं कल का जो है पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ तो, कल की रूटीन का, क्योंकि कल मेरा ऑफ है क्लासेस से। सो चलो देखते हैं, अभी मुझे चाय की वो हो रही है, कुरकुरे से भूखी मर जाती है, खाने से भूखी मरती है। तूने एक ही रोटी खाई आज? मैंने आपके जाने के बाद दाल के साथ 2 खाई, जाम के साथ 1 खाई है। हाँ, अच्छे से रज के खाना खाया करो। 3 रोटी खाई है मैंने दाल के साथ, ठीक रात को 5-4 खाऊंगा, ठीक है, इसलिए तो आजकल मैं अब हम इसकी डाइट बढ़ा रहे हैं कि अच्छे से खाए, बहुत ही वीक हो गया है मेरा बच्चा, पर अब थोड़ा सा बढ़ गया, 27.3 हो गया मैं। इस बच्चे का वेट बढ़ गया और मेरा भी बढ़ गया साथ साथ। हमारी जलेबी यहाँ रखी है, टंग रखी है, देखो चल रहे हैं, शुक्र उसने 10 मिनट में बना दी। चलो भी चले, सारे भाग लिए, देखना सामान नहीं उठाया, नहीं उठाओ जलेबियाँ उतारो, चलो अंडे बाद में ले जाएंगे, अंडे पापा ले आएंगे, वरना अंडे टूट गया था उसे, अंडे उसी में पड़े हैं। देखो भैया क्या कर रहे हैं, चाय बना दी भैया ने, बोलो भैया इधर उधर ही ले चलो बेटा, इधर का टाइडी करो, इधर मेरी क्लास है ना, मैं देखो क्लास ले, सारे बैठते हैं, सारे कुशन कशन सारे उटल पुटल कर देते हैं। लाटे बेटा इधर ले आओ चाय का, को इधर ले आओ सामान और प्लेट भी ले आओ, बस जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा अब, कई बार ना खाना हमें बेडरूम में खाना पड़ता है, क्योंकि मेरे उधर ना स्टूडेंट्स आते हैं तो फिर मेरे फैमिली को बेचारे को ना बंद से होकर रहना पड़ता है, पर वो ना डिसिप्लिन सीख चुके हैं, वो यूज्ड टू हो चुके हैं उस चीज़ के। चलो भी अब हम खाते हैं, देखो ये आ चुकी है जलेबियाँ, मैंने इसको नीचे बिछाया टावल, ऊपर रखी है प्लेट्स, अदरवाइज ना हमारे बच्चे ना स्पेशली हमारे छोटा वाला गिरा देता है। और ये है मीठी कचौड़ी, ये है रबड़ी, लेट मी टेस्ट, ये है कचौड़ी, पसंद आई रबड़ी? टिक्की कहाँ होती है? इसने वो सोच रही कचौवो वाली, जिसमें वो ऐसे टेस्टी लगती है जलेबी, अरे जिसमें वो वाली टिक्की होती है, वो छोटे से वो होती है बस येलो कलर की, खाता था मैं
स्लो वॉक करता हूँ, जो मैम कहती है मान। ये अपना पेट कम करने के लिए डाइटिंग कर रहे हैं, रबड़ी और जलेबी खा के। आपको भी ऐसी डाइटिंग चाहिए तो इनसे सीखो। जो करो खुल के करो। आप इनका पेट देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इनका पेट। रबड़ी खाते हैं शौक से। तो आप भी आ जाते हैं। एक बार हम स्कूटी पे हम चार गए थे ना, भैया ने पारी खा ली। भैया पारियां मत खाया करो ज्यादा, खत्म हो जाएंगी। हमेशा पारियां खाते रहते हैं। कैमरा के पीछे करते रहते हैं, किसी ने डाइटिंग करनी सीखनी हो तो इनसे सीखो। बहुत मीठा मीठा नहीं हो जाता ऐसे खा के रबड़ी और जलेबी? खाना ही मीठा है तो फिर मीठा मीठा क्या, मीठा ही होगा फिर सारा। ज्यादा ही मीठा मीठा देता है ये भी अच्छा है ये वाला ना, जो है पहली बार मैंने ये खाया, मैंने रबड़ी जो है वो पहली बार टेस्ट किया। डाली बिंद्रा को देखा आपने? अरे बिग बॉस में आई थी। डाली बिंद्रा बहुत चिल्लाती थी। अब डाली बिंद्रा सुन रही है तो कहेगी ये बच्चा गएगा। अरे एक और भी आई है ना नए सीजन में, बेबी का, बेबी का उसमें उस सीजन में डॉली बिंद्रा के साथ क्या है उसका नाम, पंगो क्या, पंकज ने रिंकी के पापा, हाँ। क्या नाम है पापा उसका, वो बेबी का को बता। तिवारी, तिवारी क्या नाम है उसका, हाँ मनोज तिवारी। मैं मेरा तो मुंह मेरे तो दिमाग में वही बैठ गया, रिंकी के पापा नाम ही भूल गया। बेबी का को पता हूँ क्या बुलाते हैं, टुनटुन मौसी और डॉली बिंद्रा का मैशअप। कौन बुलाता है? ट्रिगर्ड इंसान, फुकर इंसान का भाई। आपका फेवरेट कौन है? अभिषेक। अभिषेक पर चैट से और एक और भी है, एलविश यादव। कौन सा है पता नहीं, करीना होगा। आप किसके फैन हो? अभिषेक। अभिषेक का मुझे भी अभिषेक अच्छा लगता है। चलो अभी अब मैं आ चुकी हूँ बाहर, मेरे बाल कैसे से चपटे चपटे से हो रहे हैं। अब मैं आ चुकी हूँ बाहर, तो एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स आते हैं ना तो मैं गिलास और पानी सब वहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि प्यास लगती है ना, मेरे स्टूडेंट्स आते हैं। तो अब मैं चलती हूँ, बैठती हूँ, मैं अपना रेडी करूँ ये एरिया। सिर्फ मेरे पास 5 मिनट ऑलमोस्ट हो चुका है मेरा टाइम, मेरे स्टूडेंट्स कभी भी आते होंगे, मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूँ ये एरिया। तो अभी अंदर घर के अंदर कुछ कुछ बातें चल रही हैं, पापा बेटे बहुत पटती है भैया, पापा बेटा सारा कुछ मैं करके देती हूँ इनके लिए, है और पापा के लाड़ में, पापा के लिए।